दर्शन न्यूज। जूली देवी ने एकमा नगर पंचायत के लिए पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन पर्चा दाखिल। छपरा जिले के एकमा नगर पंचायत के जूली देवी ने पैक्स अध्यक्ष के लिए आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया। तत्पश्चात संवाददाताओं को एक भेंट वार्ता में जानकारी दिया कि मुझे हर समुदाय के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी उन्हें धरातल पर लाने का कार्य करूंगी। वहीं उनके प्रतिनिधि राजू शर्मा ने कहा कि मेरे पिताजी 30 साल तक पैक्स अध्यक्ष पर रहे हैं, इस बार मेरी पत्नी को अपार समर्थन मिल रहा है। जीत के बाद समय से किसानों के बीच खाद वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के ऋण माफी के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अवगत कराऊंगा। उक्त मौके पर सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। एकमा से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। मैडम क्या नाम हुआ? बाहर निकाल दे क्या? जूली देवी। जूली देवी, आप पैक्स के चुनाव लड़ने जा रही हैं? जीतने के बाद आपका क्या एजेंडा रहेगा? जीतने के बाद जो सरकार से आएगा काम, योजना आएगा, वो हम काम पूरा करेंगे। इसके पहले मेरी सास भी थी नेता में, मेरे ससुर भी थे और हम भी करेंगे। आप तो प्रतिनिधि न हुए? जी जी। जीतने के बाद कौन कौन सा योजना आप ला करके और धरातल पर लाइएगा और किसानों के बीच वितरण कीजिएगा, इसको इस संदर्भ में थोड़ा सा हमको जानकारी? जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, इसके पहले भी पैक्स चेयरमैन हमारे पिताजी रहे हैं और लगातार 30 साल रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद किसानों के लिए जो खाद बीज सस्ते दर पे मुहैया कराने की व्यवस्था कराएंगे। फसल सहायता योजना जो आती है किसानों की, उसमें मैक्सिमम किसानों को फसल सहायता दिलवाने का काम करेंगे। किसानों का जलजमाव की समस्या है एकमा में, इस संदर्भ में भी हम छपरा डीएम साहब के यहाँ भी और मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर इसको दूर कराएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की यहाँ पे। ऋण माफी के लिए आप? हाँ, ऋण माफी के लिए इसके पूर्व में भी मैंने प्रयास किया था, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था और मेरे प्रयास से धुली गांव के, मठनपुरा गांव के, मरवट गांव के, नरहनी गांव के बहुत सारे किसानों का सहकारिता का ऋण माफ हुआ था।